बता दें कि नवोदय नगर में रहने वाले पुष्पेंद्र कुमार पुत्र साधुराम ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि मोनू वर्मा ने प्लॉट दलाने के नाम पर फर्जी तरह से हमारे से 35 लाख रुपए लिए थे। जब हम प्लॉट पर गए तो पता चला कि वे प्लॉट मोनू वर्मा पहले ही किसी अन्य व्यक्ति को बेच चुका है। जब हमने इसका विरोध किया तो वह हमें जान से मारने की धमकी देने लगा। उसके बाद सामाजिक लोगों की उपस्थिति में दिए गए पैसे वापस देने की बात कहकर पंचायत के लोगों की सहमति में मोनू वर्मा ने 14-14 लाख रुपए के 2 चेक दिए, लेकिन दिए गए चेक भी बाउंस हो गए। जब हमने पैसे मांगे तो वह हमें जान से मारने की धमकी देने लगा। पैसे ना वापस करने की स्थिति में मोनू वर्मा ने अपने एक साथी के साथ मिलकर पूरे प्लान के तहत हथियारों के बल पर जान से मारने की नीयत से घर में घुसकर हमला कर दिया, जिस पर शोर शराबा सुनकर इकट्ठे हुए मोहल्ले के लोगों की वजह से हमारी जान बची, जिस पर वह हथियार लहराते हुए फरार हो गए। फिलहाल पीड़ित की तहरीर पर पुलिस से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। साधुराम, मैंने मोनू वर्मा से एक प्लाट लिया था 32 लाख रुपए का। मैंने उसके खाते में पैसे ट्रांसफर किए हुए हैं बैंक के द्वारा और कुछ नकद दिए हुए हैं। टोटल जब 32 लाख चले गया और उसको बोला वो इसका रजिस्ट्री कर दो तो वो प्लाट फ्रॉड निकला। फिर मैंने उसको बोला भाई मेरा पैसा मुझे वापस दे दो। उसने बोला, जब ज़्यादा उस पर दबाव बनाया, उसने बोला मेरे पास कोई पैसा नहीं है, जाओ जिस पे तुम्हें जो कुछ करना हो करो। फिर मैं गुड्डू चौधरी के पास गया, उसने पंचायत बैठाई अपने ऑफिस में, ये वहाँ पर नाट गया। फिर वहाँ से सिडकुल थाना अध्यक्ष सिडकुल थाने में गए और BS चौहान, SI BS चौहान की अध्यक्षता में 28 लाख पर फैसला हुआ, जो कि मुझे इसने 2 चेक दिए। ये 2 चेक हैं 14-14 लाख रुपए के, जो मैंने 2 बार लगाए बैंक में इसके कहने के अनुसार और दोनों बार फेल हो गए, बाउंस हो गए। उसके बाद इसने बोला 15 को दोबारा लगा लेना। 15 को लगाने से पहले ही 8 तारीख को होली के दिन इसने हमारे लड़के को पिटाई किया और अकेला था हमारा लड़का। जब एक दूसरा लड़का इसको छुटाने गया तो उसकी भी पिटाई किया। 15-20 लोग थे और 4 हथियारबंद लोग थे इनके साथ जो हथियार ले रहे थे। 2 राइफल थी और 2-3 कट्टे थे, 3-4 है जी। इन्होंने हमारे लड़के को पिटाई किया और बोला जान से मारेंगे। ये बात है 1:30 बजे की। उसके बाद 4 बजे ये सब फिर हमारे घर पर आए और हमारे घर में घुस के हमारे लड़के के 5-7 थप्पड़ मारे, लात मारी और फिर वापस चले गए। पुलिस में हमने सूचना दी। हम 9 तारीख से लगे हुए हैं और आज हमारी FIR दर्ज होगी और FIR की कॉपी है। अब मैं ये चाहता हूँ मेरी सुरक्षा, मैं प्रशासन से चाहता हूँ मेरी सुरक्षा और मेरा जो धन है वो मुझे वापस मिल जाए और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, सूबेदार साधुराम।